मौदा शहर के शिवनगर इलाके में रहने वाले मंगलमूर्ति बोरकर की 16 वर्षीय बेटी कोमल बोरकर की 8 अगस्त को अचानक तबीयत खराब हो गई। उसे तुरंत मौदा के ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां कोई डॉक्टर नहीं होने के कारण नर्स चंदू पटले ने उसे प्राथमिक उपचार दिया और घर भेज दिया, लेकिन रात 3 बजे उसे फिर से भर्ती कर लिया गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लड़की के परिजनों का आरोप है कि उचित इलाज के अभाव में बच्चे की मौत हो गई है, इसलिए परिजनों और सभी दलों के स्थानीय नेताओं ने संबंधित डॉक्टरों और नर्सों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान ग्रामीण अस्पताल में कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति बन गई। इस कारण नर्स छन्नू पटले को अस्थायी तौर पर उनके पद से मुक्त कर दिया गया है और मौदा के सामाजिक कार्यकर्ताओं और नागरिकों का आरोप है कि ग्रामीण अस्पताल में समय पर डॉक्टर उपलब्ध नहीं होने के कारण अक्सर मरीजों का समय पर इलाज नहीं हो पाता है। यदि रात में किसी मरीज की हालत बिगड़ जाती है तो उस समय स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को फोन किया जाता है तो उनका फोन बंद मिलता है। वर्तमान में बरसात के दिनों के कारण विभिन्न बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ गई है, इसलिए नागरिकों ने मांग की है कि सभी डॉक्टर 24 घंटे अस्पताल में मौजूद रहें और सभी आवश्यक दवाओं का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध कराया जाए। पिछले कुछ वर्षों में भले ही राज्य में सरकार विकास को बढ़ावा दे रही है, स्वास्थ्य सेवाओं से सुसज्जित भवन तो बन गए हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों से डॉक्टरों की भर्ती नहीं होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई है। ऐसा आरोप नागरिकों द्वारा किया गया है। आज 8:30 दवाखान्यामध्ये उलटी झाली असं समजून आला होता, तेव्हा आमच्या कर्तव्यावरती सिस्टर होती, तिने तिला इंजेक्शन देऊन घरी पाठवले असं नातेवाईकाचा आक्षेप आहे। त्याविषयी त्यांना चौकशी केली असता तिने असं सांगितलं की डॉक्टरांना मी न सांगता स्वतःच इंजेक्शन देऊन घरी पाठवले, त्या हॉस्पिटलमध्ये चूक झालेली आहे। त्याच्यानंतर परत ती पेशंट सकाळी 3 वाजता 9 तारखेला रुग्णालयात हजर झाली। कर्तव्यावर असलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्याला तपासून उपचार सुरू केला। 9:30 रुग्णाची परिस्थिती अतिशय चांगली होती आणि 9:40 अचानक पेशंट सिरियस झाली आणि उपचारादरम्यान संबंधित रुग्णाचा मृत्यू झाला। पोस्टमार्टम करता रुग्णाला गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपूर येथे पाठवण्यात आलेले असून सदर व्यक्तीचा मृत्यू कशामुळे झाला हे पोस्टमार्टमच्या तज्ज्ञ वैद्यकीय अधिकाऱ्याकडून रिपोर्ट आल्यानंतर त्याच्यावर क्लिअर सांगता येईल। ज्या मुलीची चूक झाली असं दिसून आलं प्रथमदर्शनी, त्या मुलीला सिस्टरला आम्ही या कार्यालयातून कार्यमुक्त केलेली आहे। पुढील कारवाई चौकशीचा रिपोर्ट आल्यानंतर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल। NBSN न्यूज के लिए मौदा से अचल तिजारी की रिपोर्ट।